नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं तो सोलन में झमाझम बारिश है। हालांकि मौसम विभाग का सुबह के वक्त इस तरह का कोई अलर्ट भी नहीं था, लेकिन बाद में 5 जिलों को लेकर जरूर मौसम विभाग की ओर से बाढ़ और की चेतावनी दी गई थी। भारी बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सुबह के वक्त मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पहले जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान में अब मानसून कमज़ोर पड़ेगा आने वाले 6 दिनों में, लेकिन आज आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि कुछ एक जगहों पर कुछ एक क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान तो लगाए गए थे, तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर क्षेत्रों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है, उसमें सोलन भी शामिल है। और सोलन शहर की बात की जाए तो 2 सितंबर के बाद लगातार एक बारिश का दौर यहां पर चला हुआ है और बीच बीच में सोलन जिला में काफ़ी बारिश हो रही है। यदि आंकड़ों पर भी नज़र दौड़ाई जाए तो सोलन जिला में पिछले 4-5 दिनों में सामान्य से करीब 105% अधिक बारिश अभी तक तो हो चुकी है। और इस तरह की बारिश जून से लेकर अगस्त के महीने के बीच में देखने को नहीं मिली। अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो सोलन जिला में सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई, और यदि हम अगस्त महीने की बात करें तो सोलन जिला में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हुई है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में तो जरूर सोलन शहर हो चाहे पूरा जिला हो, कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, लेकिन उसके बाद से वह मानसून जिला सोलन में वैसे कमज़ोर ही रहा। ओवरऑल आंकड़े भी इसी तरह के हैं कि जिला सोलन में 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में सामान्य से करीब 29% कम बारिश हुई है, जबकि प्रदेश का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर और 5 सितंबर के बीच में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई है। लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, सोलन के तापमान में भी गिरावट हुई है। सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है। हालांकि यह चंबाघाट बाईपास का एरिया है जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए। सुबह के वक्त धुंध थी और इस वक्त नेशनल हाईवे पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी यहाँ पर भर जाता है, क्योंकि ड्रेनेज का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। NH5 है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों से बहता हुआ आगे बह रहा है, और इसकी वजह से वाहन चालकों को भी और जो लोग पैदल चलते या दोपहिया वाहन हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वजह है कि जब वाहन तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो पानी के छींटे उनके कपड़ों के ऊपर जो पैदल चलने वाले लोग हैं या फिर उस बारिश से बचने के लिए कहीं उन्होंने पनाह लिए रेन शेल्टर के में, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का, क्योंकि पानी रेन शेल्टरों के बीच भी घुस रहा है। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं कि सोलन में मूसलाधार बारिश जारी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सोलन में बारिश का एक क्रम चला हुआ है, और 2 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ था, और उसके बाद से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश हो रही है। हालांकि इस बार मानसून में उस तरह की बारिश तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी बीच बीच में हो ही रही, जब भी जरूरत पड़ रही है। अगर हम सितंबर के महीने की बात करें तो 2 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है, तो सोलन में भी पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जबकि पूरी बरसात यदि हम जून से लेकर और अगस्त के महीने की बात करें तो लगातार 4 दिनों तक उस दौरान तो बारिश देखने को नहीं मिली। लेकिन अब आजकल पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो उसमें सोलन में भी ज़बरदस्त बारिश अब देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें NH5 की आप देख रहे हैं, और सामने देख रहे हैं कि सेब के ट्रक हैं जो क्योंकि सेब मंडी भी पास ही नहीं है और सेब को लोड किया गया है, तो उन पर अब तरपाल से उन्हें फेंका जा रहा है, और ताकि
सेब की पेटियां, सेब ख़राब ना हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाहर से गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में यहां पर सेब की ढुलाई के लिए आई हुई है। NH5 की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से सड़कों पर किस तरह से पानी भर रहा है। और NH की बात करें तो एक तालाब की तरह नज़र आ रहा है। और आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में धूप है, दर्शकों के हमें देरी है तो मैं निकल जाऊं। और रोडू में भी धूप है, झामटा देशराज जी हमें बता रहे हैं कि वहां पर धूप है क्योंकि मौसम है, क्योंकि अब मॉनसून उस तरह से एक्टिव हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, वैसा ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से NH5 तालाब में तब्दील हो चुका है, पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। और जो सोलन शहर की ये 4 लेन है उसकी दोनों लेनें इस वक्त चली हुई है। तस्वीरें सोलन की और वाहनों की जो आवाजाही NH पर है वो बनी हुई है, वो बारिश का कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिला है। और इस बार NH5 उस तरह से अवरुद्ध भी नहीं हुआ जैसा पिछले वर्ष देखने को मिला था। चक्की मोड़ के पास करीब 1-1.5 महीना तक बड़ी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा था, जब 4 लेन उस पर चक्की मोड़ के पास भूस्खलन की वजह से काफ़ी नुकसान रोड को हुआ था। और तस्वीरें सोलन की, बारिश अब और तेज़ हो गई है, आवाज़ भी आपको देख रहे होंगे, अब काफ़ी तेज़ बारिश सोलन में इस वक्त हो रही है और झमाझम बारिश है, मूसलाधार बारिश है। और यहाँ किसी टीवी में फिलहाल बस इतना ही देखते रहे पंजाब किसी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।